हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स प्राइम चैनल। कल हमने जो 6 अक्टूबर को प्राइमरी टीचर का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और मैंने कहा था कि जब भी एग्ज़ाम होंगे और जो भी क्वेश्चन मुझे पता लगेंगे उनको मैं ज़रूर अपडेट करूंगा अपने चैनल पर, जिससे कि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं जिन भी कैंडिडेट्स के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और उनको एग्ज़ाम का जो लेवल रहा, जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए वो उनको पता लग जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 7 अक्टूबर को जो पेपर हुआ है ऑनलाइन का मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है, उसके क्वेश्चन जो मुझे पता लगे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जो जीके सेक्शन है, ठीक है, जो जीके सेक्शन है इसमें जो 4-5 क्वेश्चन याद मिले कैंडिडेट को तो उसने मेरे साथ शेयर किए। उसमें सबसे पहले पूछा गया था इल्तुमिस का कार्यकाल, ठीक है, इल्तुमिस का कार्यकाल पूछा गया था, मींस हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया था ये। तो इल्तुमिस का जो कार्यकाल है 1211 से लेकर 36 तक, ठीक है, लगभग इतना इसका कार्यकाल माना जाता है। ये मैं आंसर इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है कल आपका मतलब आगे जब भी एग्जाम हो तो ये क्वेश्चन रिपीट हो, ऐसा हुआ है। ब्रिक्स सम्मेलन है जो, उसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था जो कल वाले एग्जाम में भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार का शीशा किस प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन भी आया था, तो इसमें ऑप्शन थे कि लेमिनेटेड या सिंपल ग्लास, तो लेमिनेटेड ग्लास होता है कार का जो शीशा होता है, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन था, राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है, जो कल वाला जो 6 अक्टूबर वाला एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कौन से अनुच्छेद में उसका वर्णन है, तो 59 था उसका आंसर। तो राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा का अधिकार है किस अनुच्छेद में वो दिया गया है, तो 21A है जो अनुच्छेद, उसमें राइट टू एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन था नदी से रिलेटेड, कल भी नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, जैसे उसका आंसर था सिक्किम। तो कृष्णा नदी पूछा गया था, आज 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है, और उनमें ये पूछा गया था कि कृष्णा नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं भीमा और तुंगभद्रा है, ठीक है, और तुंगभद्रा के साथ ही इसकी नदी की जो सहायक है वो है मूसी, और एक है और घाट पर बाकर के एक नदी और है जो इसकी सहायक नदी है। और ब्रिक्स सम्मेलन से जो कल क्वेश्चन आया था कि भाई ब्रिक्स में कौन कौन सदस्य हैं, शामिल हैं, स्थायी सदस्य हैं, तो आज जो क्वेश्चन आया था वो कल से रिलेटेड सा कह सकते हैं आप, करंट से रिलेटेड था ये, कि इसमें पूछा गया कि जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ है अब की बार जो हुआ था। तो आपको बता दूँ जो अब की बार जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है वो 10वां था और साउथ अफ्रीका में ये सम्मेलन हुआ था। तो ये जी के क्वेश्चन थे जो मुझे पता लगे और ये मैंने आपके साथ शेयर किए, इनसे जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो सेम ही रहा है पिछले पेपर के हिसाब से, और क्वेश्चन है जो वो भी मिलते जुलते हैं, हालांकि क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं पर जो भाग हैं जहाँ से वो क्वेश्चन उठाए गए हैं वो लगभग सेम ही है। तो आप इन जो 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 इसमें भाग जैसे आए हैं, जैसे ब्रिक्स सम्मेलन है, ठीक है, नदियों से रिलेटेड, राइट टू एजुकेशन अनुच्छेद जैसे, और कार का शीशा जैसे साइंस से रिलेटेड है, और ये जो इतिहास से आया है इल्तुमिस, तो इनको एक बार ज़रूर देख लें इन टॉपिक को। नेक्स्ट हिंदी, हिंदी जैसे कल हमने डिस्कस किया था, पैसेज कल भी 5 नंबर का था, आज भी 5 नंबर का आया है, पर्यायवाची आए हैं आज, ठीक है, संधि आई थी, समास, ये सब में आए हैं, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, ये बाकी जो ग्रामर का सेक्शन है ये कॉमन ही रहता है। पैसेज काफ़ी आसान था जो मुझे सुनने को मिला है कि जो लेवल था हिंदी का बहुत ईजी था, जो मेरा फ्रेंड है जो पेपर दे के आया है उसके 20 क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट किए उसने। नेक्स्ट को जो पार्ट है हमारा इंग्लिश, इंग्लिश भी कल की तरह ही सेम था, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल कह सकते हैं मीडियम ही था, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, इजी से ही थे क्वेश्चन, और वही पैसेज 5 नंबर का आया है, प्रीपोजिशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, जो कल पैटर्न था हम कल डिस्कस कर चुके इसको। अच्छा, सिनोनिम आए थे, 4 से 5 सिनोनिम आए थे, तो ये इसका पैटर्न इंग्लिश का रहा।
नेक्स्ट सब्जेक्ट रिलेटेड जो साइकोलॉजी थी उसमें जैसे कल हमने देखा था कि पियाजे आया था और ब्लूम टैक्सोनॉमी पूछी गई थी, आज भी ऐसा ही रहा। आज जो नया इंक्लूड हुआ है वो है जोन डीवी। जैसे मैंने कल कहा था कि जो थ्योरी है ना वो जरूरी नहीं कि पिछले वाली रिपीट हो। आज पिछले वाली रिपीट हुई है बट उसके साथ एक नई इंक्लूड करती है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिसका भी एग्जाम अभी बाकी है, पावलोव, ठीक है, स्किनर, इनकी थ्योरी को एक बार रट लो। अगर नंबर आपको अच्छे चाहिए तो ज़रूर इसको पढ़ के जाएं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आज भी क्वेश्चन थे, और फिजिकल एजुकेशन सेक्स ये है जो अपनी एडोलसेंस से है, और जेंडर रिलेटेड क्वेश्चन ये सेम ही रहे। जो टीचिंग मेथडोलॉजी क्वेश्चन है वो आज आप कह सकते हैं सीटेट का लेवल था। जो मेरे फ्रेंड ने बताया कि जैसे चार ऑप्शन है, चार में से दो तो ऑब्वियसली बात है कट हो रहे थे और दो ही ऑप्शन बच रहे थे, उसमें से चूज करना था। वहाँ पे फिर आपका वही है जो आपने अगर डीपली स्टडी किया है तो ही आप दो ऑप्शन में से एक्यूरेट सेलेक्ट कर पाएंगे। जो ऑप्शन थे वो काफ़ी उनका लेवल था, जो क्वेश्चन का वो काफ़ी ठीक ठाक था। ये नहीं था कि कोई भी ऐसे ही पढ़ के उसका आंसर दे दे। मैथ, मैथ के क्वेश्चन हालांकि याद नहीं थे जिसने पेपर दिया तो, पर जो पैटर्न था वो जैसे 6 अक्टूबर वाला एग्जाम था सेम पैटर्न था उसका। क्वेश्चन वही थे, एमपी मार्केट जो प्राइस होता है, मार्क प्राइस और अंकित मूल्य, और जो बट्टे वाले क्वेश्चन थे डिस्काउंट वाले, और साथ ही जो टाइम एंड वर्क और इसे डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम ये सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए थे। हमने कल ये क्वेश्चन देखे भी थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे ये कल वाले क्वेश्चन है 6 अक्टूबर वाले, तो ये इसको 7 अक्टूबर के नाम आने। आज के क्वेश्चन मुझे मिले नहीं, ना उसको याद थे जिसने पेपर दिया, पर जो पैटर्न था वो बिल्कुल लगभग सेम ही है। तो इस तरह के अगर आपका एग्जाम है अभी बाकी तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ज़रूर इनको देख ले, ठीक है। यूनिट जैसे कल वाले में मैंने डिस्कस किया था, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए है, जो क्वेश्चन मैथ के आए थे कल, कि 1 क्वेश्चन टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट, ठीक है। और ये जैसे संख्या दी जाती है 4a = 6b एंड 6a = 3c, और तीसरा क्वेश्चन जैसे ये था कि 30 चीज़ें बेचने पर 5 चीज़ों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ लाभ प्रतिशत बताइए। जो प्रॉफिट परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन ये आए हैं, आज भी आया हुआ था, और ये सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड थे और इंटरेस्ट से रिलेटेड अपस्ट्रीम नाव वाला क्वेश्चन आज भी आया हुआ था। एमपी जैसे मैंने बताया ना, अंकित मूल्य वाले क्वेश्चन भी कल आए थे, और एक एवरेज टाइम एंड वर्क रेशियो, ये आज भी क्वेश्चन आए हुए थे। टेबल से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, और साथ ही जैसे कल भी हुआ था, कल एक क्वेश्चन था हमने डिस्कस किया था जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड था। उसमें क्या करते हैं, त्रिभुज की तीन भुजाएं दे दी और तीनों भुजाओं पर वृत्त का था कुछ, और उसका क्षेत्रफल वगैरह ज्ञात करना था जो वृत्त के अंदर नहीं था, तीन वृत्त दे रखे थे। आज ये क्वेश्चन आया हुआ था कि त्रिभुज की तीन भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है, उनका माप दे दिया और तीनों भुजाओं पर वृत्त बना रखा है और उसका परिमाप पूछ रखा था। तो ये ज्योमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक बार इनको जरूर रीड कर लें। शाम को अभी इवनिंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो भी चल रहा है, और जो भी उसका रिस्पॉन्स आएगा, जैसे मुझे नए क्वेश्चन पता लगेंगे मैं ज़रूर उस पर वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और अब तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, और हाँ ये अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है किसी का मतलब पेपर अभी बाकी हो और उसको क्वेश्चन का लेवल पता लग जाए तो उनकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।